अच्छा ये बताइए कि विनेश ने आपसे कोई, जैसे भाई बहनों से सलाह लेते हैं, आप बहन भी हैं खिलाड़ी भी हैं जी, और गुरु भी घर में है, मतलब रिश्ता भी है और गुरु भी है, जी, तो क्या सलाह मशवरा नहीं किया कि भाई मैं राजनीति में आ जाऊं या थोड़ा और खेलूं, कोई बातचीत नहीं हुई? देखिए मैं एक बात कहना चाहूंगी कि उनके राजनीति में आने से, ये देखिए अब हर कोई स्वतंत्र है, कोई भी किसी पार्टी को किसी भी समय भी ज्वाइन कर सकता है, ये उनके खुद के अपने स्वतंत्र विचार हैं और खुद की अपनी सोच है, परिवार से लेकिन से मैं है। लेकिन एक चीज और साथ में कहना चाहूंगी कि हो सकता है कि उनका कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने का निर्णय पहले से हो, लेकिन वो शादीशुदा हैं, उनका एक और भी परिवार जुड़ा हुआ है, और हमारे समाज में तो कहते हैं कि शादी के बाद माँ बाप का ज्यादा इंटरफेयर नहीं होता है, ससुराल वालों का ज्यादा उनके अनुसार ही चलना पड़ता है, उनके अनुसार ही चीजें देखनी पड़ती हैं, क्योंकि लास्ट ऑफ एंड वही उनका सबसे बड़ा परिवार होता है, और माँ बाप भी यही शिक्षा देते हैं बेटी को कि बेटी अगले की सुनियो ज्यादा से ज्यादा, और उनकी माननी है, अपना घर चलाना है। आजकल किसकी सुन रही है विनेश? देखो ऑब्वियसली, देखो हम तो यही कहेंगे कि उनके जो परिवार के हैं, परिवार के लोगों की ऑब्वियसली सुनेंगे। और हुड्डा जी से नाराजगी है, परिवार में फूट डाल दी? देखिए बिल्कुल है, इस चीज को आपने देखा होगा कि मन्नू भाकर जब मेडल लेके आई एयरपोर्ट के ऊपर, उनके कोच उनके साथ में थे, आप देखेंगे अमन सहरावत को जब वो एयरपोर्ट पे आए मेडल लेके तो उनके कोच उनके साथ में थे, और वहां पे कोच दीपेंद्र हुड्डा जी बन के खड़े हैं, जब उस जिस कोच ने इतनी मेहनत करवाई इतने सालों, और आज उस कोच की जगह पे दीपेंद्र हुड्डा जी खड़े हैं, तो किसको नहीं दुख होगा, किसको तकलीफ नहीं होगी। महावीर जी ने कहा कि उन्हें बुरा लगा, बात हुई आपकी कुछ परिवार से? आप इस चीज को महसूस कर सकते हैं कि जिस गुरु ने इतनी मेहनत करके वहां तक पहुंचाया है, और वो गुरु जिस, मेरे पापा, आपको बताना चाहूं कि मेरे पापा ने कहा था बहुत समय पहले कि जो ओलंपिक में मेडल लेके आएगा मैं उसको लेने के लिए जाऊंगा एयरपोर्ट पे, और आज तक कभी हम किसी भी बहन को लेने के लिए नहीं गए थे, पहली बार विनेश को लाने जा रहे थे, और जब ये सारे घटनाक्रम हुआ तब मेरे पापा, मुझे पता है कि मैंने 3 बार अपने जीवन के अंदर अपने पापा को रोते हुए देखा है। मतलब आप लोग जा रहे थे लेने के लिए? मेरे पापा जा रहे थे, आप भी? ऑब्वियसली, लेकिन जो ये चीजें घटी हैं, लेकिन उनको बहुत दुख हुआ है, एक तो दुख वो कि वो मेडल नहीं, डिस्क्वालिफाई हो गई, ऊपर से दुख ये कि मतलब उन्होंने इतनी सालों की मेहनत, इतने साल मेहनत करके उनको इस काबिल बनाया है, क्योंकि मैं बताना आपको बता रही थी कि मेरे पापा 3 बार मैंने अपने जीवन में रोते हुए देखा, या तो मेरे चाचा जी जब एक्सपायर हुए थे तब हमने देखा था, या फिर हम बहनों की जब शादी हुई, जब विदाई के टाइम पे हमने उनके आंखों में आंसू देखे थे, या फिर विनेश का जो ये इंसिडेंट हुआ तब हमने उनकी आंखों में आंसू देखे थे, और इन दोनों चीजों से उनको जितनी पीड़ा हुई है शायद किसी को भी इतनी पीड़ा नहीं हुई, एक पिता के रूप में भी, एक गुरु के रूप में भी, और एक माँ बाप के रूप में भी। आपने अभी भी, आप भावुक हो रही हैं, आपकी आंखें नम है, मैं देख रही हूँ। देखिए मैं भावुक नहीं हो रही हूँ, मैं उन चीजों को सोच के, क्योंकि मैंने बचपन से देखा उन चीजों को, अपने पिता को देखा है मैंने उन कि किस तरह से जब मेरे चाचा एक्सपायर हो गए थे, पापा उनके घर पे जाके उनको लेके आके ट्रेनिंग करवाते थे, तो मुझे वो दिन मुझे पता है कि किस तरह से उन्होंने ट्रेनिंग करवाई है। तो ऐसा क्या हुआ, मतलब देखिए दोनों जगह से, आपकी बहन आपके साथ खेलती थी बचपन से, आपने देखा उन्हें बड़े होते हुए, और बहनों का रिश्ता एक बहुत अलग होता है, तो ऐसा आपको लगता है कि विनेश जो आरोप लगा रही थी कुश्ती महासंघ पर, वो तमाम चीजें वो झूठे हो सकते थे या वो गलत हो सकते थे? उन्हें लगा होगा कि भाई जब मुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी अपने पिता की, अपने कोच की, अपनी बहनों की, वो साथ नहीं खड़ी हुई? नहीं, कौन कहता है परिवार साथ में नहीं था, मेरी छोटी बहन वहां पे थी, मेरे पापा साथ में थे, माँ बाप साथ में थे, परिवार साथ में था, परिवार एक था, किसने कहा कि परिवार साथ में नहीं था, मैं खुद वहां पे गई हूँ आंदोलन के दौरान, आप तस्वीर निकाल के देखिए, कौन कहता कि साथ में नहीं था।